दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी का समन आया है तब से सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला तेज हो गया है। इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता आतिशी ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या कहा है उन्होंने आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 30 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से समन भेजा जाता है और उन्हें शराब घोटाले मामले की पूछताछ के लिए 2 नवंबर को ईडी दफ्तर बुलाया जाता है। इस समन के आने के बाद जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के भीतर तो हलचल तेज हुई है, लेकिन साथ ही अगर बात की जाए बाकी राजनीतिक दलों की तो उनकी तरफ से भी कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता की करेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी की नेता हैं आतिशी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाइयों का दौर चल रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तक सीमित नहीं रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद ये विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई और तेज करेंगे। अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, हेमंत सोरेन के बाद नंबर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव का आएगा, कई और नेताओं का आएगा, इंडिया अलायंस के नेताओं का नंबर भी आएगा। क्या कुछ खुलासा कर आतिशी ने कहा है सुनिए। सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। क्या आप चुनाव नहीं जीत सकते तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, झूठे केसेस से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आतिशी ये कहती रही हो कि विपक्ष के नेताओं को केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों के जरिए परेशान कर रही है। इससे पहले हमने कई नेताओं को सुना है जब उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को आया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अपने बयान जारी कर रही है, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रही है और ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो जांच एजेंसी ने समन भेजा है उसके पीछे कोई जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि उसके पीछे है केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगातार बीजेपी पर हमलावर आम आदमी पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। जाहिर है हमला आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार पर किया जाएगा, क्योंकि अब जो है वो निशाने पर आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, अब ईडी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आतिशी ये कह रही है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक ही सीमित नहीं रहने वाली है जांच एजेंसियों की ये कार्रवाई। इसके बाद हेमंत सोरेन का नंबर भी आएगा, इसके बाद तेजस्वी यादव का नंबर भी आएगा, पिनराई विजयन का नंबर भी आएगा और इसके अलावा स्टालिन का नंबर भी आएगा, इंडिया अलायंस में जो पार्टियां शामिल हैं उनके नेताओं का नंबर भी आएगा। और ऐसा वो इसलिए भी कह रही हैं क्योंकि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी शामिल है और इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में शायद आम आदमी पार्टी
को सपोर्ट चाहिए इंडिया अलायंस की तमाम राजनीतिक दलों का। हालांकि अगर जब हम सपोर्ट की बात करें तो अभी तक कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट फिलहाल अरविंद केजरीवाल को ईडी के जरिए जो समन भेजा गया है उस पर उनकी तरफ से कोई भी ना स्टेटमेंट ना बयान ना सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट दिखाई दी है। फिलहाल कांग्रेस का इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड है ये उनकी तरफ से जब कोई बयान जारी किया जाएगा तब साफ होगा। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार बयान जारी कर रही है और बार बार उनके बयानों में एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ा स्टेटमेंट है और अब निगाहें जो हैं वो 2 नवंबर पर टिकी हैं कि जब अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर जाएंगे तो वहाँ उनके साथ पूछताछ होगी और उसके बाद क्या पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल वहाँ से निकलेंगे बाहर अपने घर जाने के लिए या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा ठीक उसी तरह से जैसे कि जब सीबीआई मुख्यालय गए थे मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए 26 फरवरी को और फिर वो 26 फरवरी को पूछताछ के बाद अपने घर नहीं गए, सीधा उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। तो फिलहाल 2 नवंबर का दिन आम आदमी पार्टी और देश की सियासत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।